नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. शहरामध्ये ईद ए मिलान दुनबीच्या निमित्ताने शहरातील मोमिनपुरा येथून जुलूस काढण्यात आला. या जुलूस रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव सहभागी झाले. शहरातील अनेक मस्जिदमधून जुलूस काढण्यात आले. या जुलूस रॅलीमध्ये मोठ्यांसह लहान मुलांचा देखील मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. ही रॅली अग्रसेन चौक, गांधीबाग, महल, कांजाखेत, अन्सारपुरा, मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड होत मेयो रुग्णालयाजवळ पोहोचली. त्यानंतर पुन्हा मोमिनपुरा चौक येथे एकत्र येऊन सर्व मुस्लिम बांधवांनी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केलाय. ईद मिलादुन्नबी के सब नागपूर वासियों को, सभी महाराष्ट्र वासियों को हम राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की तरफ से सभी बंधुओं को हम शुभकामना देते. उसी तरीके से आज गणेश विसर्जन का भी है. सभी जगह शांति से यहाँ की रैली हो या तो गणेश विसर्जन काम सभी जगह से चालू. यहाँ पे सब प्रशासन को हमारी तरफ से पूरा सहकार है. आने वाले दिनों में भी ऐसी तरीके का समता, एकता और बंधुता हमारा नागपुर शहर, विदर्भ जिला और हमारा देश देखेगा. रैली का विषय ऐसा है कि आज सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से और आजम शाह चौक के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे अज्जू भाई, हमारे आसिफ भाई शेख और इनके सभी की तरफ से, मेरे पूरे पदाधिकारियों की तरफ से सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद दूंगा. और आज जिस तरीके से प्रशासन ने आदेश दिया था कि त्यौहार के मौके पर दोनों त्यौहार एकत्रित होने के कारण आज जो निर्णय प्रशासन ने दिया था उसके ऊपर में आज हमारे मुस्लिम समाज ने अमल किया है और अमल किया है और उसी तरीके से दोनों त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए अमन और शांति के साथ में आज हमारा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस कार्यक्रम जो है पूरे शहर में संपन्न हो रहा है. कहाँ से कहाँ निकली रैली? रैली गांधीबाग से सिरातुन्नबी कमेटी से शुरू हुई और वहाँ से होकर के सीधा मोमिनपुरा से पूरा अपना गोलीबार चौक, उसके बाद में सतरंजीपुरा चौक, ये पूरा इधर से टेलीफोन एक्सचेंज चौक से लेकर हर जगह पर हर व्यवस्था पूरे रैली में जो उपस्थित जितने भी हमारे मुस्लिम भाई है और जितने भी स्टॉल लगे हैं सर्व धर्म संभव के, जितने भी सब समाज को कॉपरेट करते हुए. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. वाघमारे भिवापुरी मिरची, साधारण मिरची पावडर से लगे सिर्फ आधी. मैं कह रही हूँ